अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन बृहत्तर कलकाता पक्ष থেকে होली मिलन समारोह आयोजन करा है। शनिवार लेक टाउन राधा पैलेसे आयोजित होली मिलन उत्सव शुरू है दोपुर दुटा থেকে चले रात सातटा पर्यंत। এদিন আগত অতিথিদের আবির ও দুপাট্টা দিয়ে বরণ করা হয়। অন্তর্রাষ্ট্রীয় অগ্রবাল সম্মেলন বৃহত্তর কলকাতার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সবাই একে অপরকে হোলি উৎসবের শুভেচ্ছা জানান। এদিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাষ্ট্রীয় সভাপতি রাজকুমার মিত্তল, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় কোঅর্ডিনেটর সন্তোষ আগরওয়াল, রাষ্ট্রীয় কালচারালের প্রধান কৃষ্ণা ভিবানিওয়ালা, বৃহত্তর কলকাতা সভাপতি সঙ্গীতা শেখসারিয়া, উপসভাপতি মিনু সান্থালিয়া, সম্পাদক রেণু আগরওয়াল, কালচারাল প্রেসিডেন্ট শশী পোদ্দার, কোষাধ্যক্ষ একতা জয়পুরিয়া ও মঞ্চ সঞ্চালক সুভাষ রাব। এছাড়া এদিন উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল অতিথি হিসেবে বিশ্বনাথ সিংহানিয়া ও সুরচনা ধানবাদ। সমগ্র অনুষ্ঠানে মিডিয়া কনভেনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিনু পোদ্দার। এদিন সংগঠনের রাষ্ট্রীয় সভাপতি রাজকুমার মিত্তল জানান, এই হোলি মিলন উৎসবের একমাত্র লক্ষ্য সবাইকে একত্র করে তাদের শুভেচ্ছা জানানো। এদিন অনুষ্ঠানকে আরো রঙিন করে তুলতে ছিল রাজস্থানী সঙ্গীত ও ঠান্ডাই ও অতিথিদের জন্য ভুরি ভোজের আয়োজন। এদিন দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিলেন সবাই। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन बृहत्तर कलकत्ता इकाई का आज होली दिवस मिलन समारोह आयोजन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज को संगठित करना, इस होली पर्व पावन पर्व का हमें अपनी सद्भाव का सत्वारा देना और हमारे सदस्यों के बीच एक मैसेज देना कि हमारा ये पर्व जो है ये पावन पर्व है, इसमें हमें सभी के साथ में खुशी के साथ मनाना चाहिए। इस दिन हम किसी भी तरह का कुछ भी भेदभाव हो, किसी भी तरह की खुशी हो, तो हम उसको दूर करके इस पवन पावन पर्व को हमें मनाना चाहिए। अग्रवाल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा है हमारे समाज को संगठित करना। हमारे समाज में जो भी कुर्तियाँ आई हैं, जो हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना और उनके काम की व्यवस्था करना, उन्हें रोजगार देना, उनकी उनकी जो अंश मानसिक स्थिति है उनको स्थिति को हमें अपने साथ में लेकर चलना और हमारे युवा वर्ग को हमें आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य रह रहा है। देखिए, ये एक होली मिलन है और ये अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का एक ऐसा मंच है जहाँ अग्रवालों को सब एक मंच पर आए। आज ये कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, तो ये कहावत को सत्य करना है और ये कहावत को सत्य हम अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के मंच पर ही कर सकते हैं। और ये खाली होली सम्मेलन नहीं है, ये है एक दूसरे के बीच में मिलन। जब तक हम मिलेंगे नहीं, हमारे बीच में एकता नहीं आएगी और एकता में जो ताकत है वो किसी भी चुनौती का सामना करके उसे पार कर सकती है। तो हमारा यही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचे। आपको जानकारी है कि नहीं, हम विदेश में भी हैं, ओमान में हमारा ब्रांच है, कुवैत में भी है, सिंगापुर से भी है, काफ़ी लोग हैं, प्लस अभी हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय अटेंडी भी है जो विराट नगर से आई हैं। तो इंडिया के हर कोने, हर क्षेत्र में और विदेश में हर जगह में हमें पहुँचना है और अग्रवाल को एक प्लेटफॉर्म में लाना है, यही है हमारा कहना और इस मंच का यही है मेन मोटो। ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए। आजकल की जैसा क्या न्यूक्लियर फैमिली में सब रहने लगे हैं, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट एक तरह से उठ से गया है, तो लोग जानते ही नहीं है, बच्चे भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो सब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, मारवाड़ी कल्चर को पहचानेंगे। हमारा मेन यही उद्देश्य है कि मारवाड़ी कल्चर पूरी दुनिया में लोग जाने। प्रोग्राम जो हो रहा है ये बहुत सुंदर हो रहा है और आगे भी आशा करते हैं कि इससे भी ज़्यादा हो। हाँ, इसीलिए मैं बच्चों के लिए उत्साहित और सब सदस्य लोग के भी एक प्रेरणादायक हो रहा है होली का, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी को देती हूँ। आज इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए धन्यवाद। अग्रवाल समाज को हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि आज हम अग्रवाल जो है, ये हमारे 18 जो वंशज हैं, हम लोग उसको आगे बढ़ाना है। हम लोगों को सबको मिल के दिखाना है कि अग्रवालों में कितनी एकता है और कितने भाईचारा है और हम सब मारवाड़ी मिल के एक मारवाड़, जो हमारा राजस्थान में जो मारवाड़ है वो हमारे जितने भी
अपने जो भारत में जितने भी है, अंतर्राष्ट्रीय में भी जितने भी हैं, सब मारवाड़ी को एक करना और एकाग्रता में कितनी शक्ति है, मारवाड़ियों में कितनी शक्ति है, ये हम सबको दिखाना। करने का जो अभिप्राय है वो यही है कि हम सब मारवाड़ी लोग एक साथ मिलें, जुटें और उसके बाद में हम लोग देखें कि क्या हो रहा है और क्या आगे हम लोग को करना है। बिजनेस के क्षेत्र में मारवाड़ी बहुत आगे हैं, किंतु हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बिजनेस के क्षेत्र में वो आगे हैं, उसी तरह से सांस्कृतिक कार्यों में भी वो आगे रहें। और उसके अलावा हमारे अगर कोई भी मारवाड़ी भाई ऐसे हैं जो किसी भी कारण से बस आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हम उनका भी सहयोग करें और उनको भी हम इस पद तक पहुँचाएँ कि वो अपना सब कुछ अपने आप कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें। हम लोग का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मारवाड़ी लोगों को कभी भी इस तरह का कोई वो ना हो कि भाई और कम्युनिटीज़ में तो सब कोई कितना एक दूसरे को हेल्प करते हैं, किंतु मारवाड़ी में कोई आगे नहीं आता। हम लोग चाहते हैं हर एक मारवाड़ी अपने से अगर कोई भी नीचे का मारवाड़ी हो तो उसकी हेल्प करे और उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करे। हम लोग का यही लक्ष्य है कि इस हिसाब से अगर सब एक दूसरे से मिलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमें क्या करना है और आगे क्या हो सकता है।